गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। और मुझे उम्मीद है कि आज का जो वीडियो आप लोगों को थोड़ा बाकी के वीडियो से अच्छा लग रहा होगा। उसके पीछे एक रीज़न है, मैंने अपना व्लॉगिंग सेटअप पूरा चेंज कर दिया है। फ़ोन जिससे मैं व्लॉग करता था वो भी चेंज कर दिया है। मैं फ़ोन दिखाता हूँ आपको, पहले मैं किससे करता था। तो ये मेरा रेडमी नोट 5 प्रो फ़ोन था, इससे मैं व्लॉगिंग करता था। अब इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, इसमें माइक नहीं था। और जो मेरा व्लॉगिंग सेटअप था वो ये वाला गोरिल्ला ट्राइपॉड था, इसकी वजह से सेकीनेस भी ज़्यादा था। ये चीज़ आप देख रहे हो, ये जो है ना थोड़ा सेक करता था, ये हिलता था। और इट्स ओके, बिगनर के लिए अच्छा है। तो आज मैं आपको शेयर करने वाला हूँ कि मैंने अपना व्लॉगिंग सेटअप कैसा चेंज किया है और क्या लगाया। और ये रिकमेंडेड है आप लोगों के लिए, अगर आप बिगनर हो। थोड़ा सा कॉस्टली है, पर DSLR के मुकाबले अगर आप नहीं DSLR में हेवी गैजेट पे परचेस नहीं करना चाहते हो तो ये सेटअप आप लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा। और मुझे उम्मीद है साउंड क्वालिटी भी आप लोगों को अच्छी लग रही होगी। तो ये सीक्रेट रिवील करते हैं, मैं पहले बहुत निराश था, पर जब से मेरे पास ये व्लॉगिंग सेटअप आया तो मेरी ज़िंदगी में बाहर आ गई है। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट बैक टू द मेन वीडियो एंड द मेन रेसिपी। बात करते हैं दोस्तों, तो ये कुछ इस तरह से लगता है। देखो, ये UFO ट्राइपॉड है, साथ में जो फ़ोन आप देख रहे हो ये सैमसंग गैलेक्सी M51 है, और ये बोया का M1 माइक है, बोया का BY-MM1 माइक है, सॉरी। और इसके पीछे का केसिंग मैं दिखाता हूँ आपको, ये जो लगा हुआ है ये उलानजी का माउंट है दोस्तों। इसके पीछे का मैं रीज़न बताऊँगा कि मैंने उलानजी का माउंट क्यों लगाया है। और कुछ इस तरह से ये सेटअप दिखता है व्लॉग करने में, काफ़ी धांसू सा सेटअप है। अब बात करते हैं दूसरे फ़ोन से जिससे मैं व्लॉग करता था, मेरा प्राइमरी कैमरा था, उससे भी मैं व्लॉग बना रहा हूँ ताकि आपको ऑडियो क्वालिटी के बारे में पता चले। तो ये एक बेसिक सा सेटअप था दोस्तों, मैंने ज़्यादा कुछ आपको नहीं दिखाया क्योंकि इससे रिलेटेड अनबॉक्सिंग वीडियोज़ बहुत है। मैं इसके बारे में आपको प्राइसिंग बता दूंगा कि इन सब चीज़ों का प्राइसिंग कितना पड़ता है, इस कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा, और ये रिकमेंडेड क्यों है। दोस्तों, मैंने सैमसंग गैलेक्सी M51 फ़ोन इसलिए लिया है, एक तो इसमें 8GB वेरियंट का रैम मिल जाता है मुझे, दूसरा 128GB का इंटरनल मेमोरी है, तीसरी सबसे बड़ी फायदा की वाली चीज़ ये है कि बोया का जो BY-MM1 माइक आता है इसमें डायरेक्ट प्लग एंड प्ले फिट हो जाता है, यानी कि आपको ओपन कैमरा एक जो थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ता है। तो ये फीचर सिर्फ सैमसंग और आईफोन में आपको मिलता है, ये भी मुझे पता चला। और मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलो ये तो सेटअप अच्छा, मुझे कोई दूसरा थर्ड पार्टी ऐप इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। तीसरी चीज़, उलानजी का जो माउंट मैंने लगाया था दोस्तों, उसके साथ एक बेसिक माउंट भी आता है, वो भी आपको दिखाता हूँ। चलिए पहले कंटेंट दिखा देता हूँ कि कंटेंट में आपको क्या क्या मिलेगा और प्राइसिंग क्या क्या है। ओके, बात करते हैं दोस्तों, ये जो गोरिल्ला UFO ये फोटो प्रो का ट्राइपॉड है, इसके अंदर का कंटेंट मैं आपको दिखा देता हूँ। ऐसे ऑलरेडी मैं खोला हुआ हूँ, पर आप लोगों के लिए मैं इसका दिखा देता हूँ। प्राइसिंग सारा जो फ्लैश होता रहेगा, और बाइंग लिंक अगर आपको अच्छा लगे तो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, आप वहां से लिंक चेकआउट कर सकते हो। तो ये रहा दोस्तों ट्राइपॉड, UFO ट्राइपॉड जिसको बोलते हैं। इसको लेने का कारण ये था कि बहुत ही फ्लेक्सिबल है, हर तरह से मुड़ जाता है हर तरह से। और ये कन्वेंशनल गोरिल्ला ट्राइपॉड की तरह नहीं है, मुझे ये ज्यादा बेटर लगा और रिकमेंडेड है। बहुत लोगों का वीडियो देखने के बाद मैंने ये लिया है। इसको आप इस तरह से एज ए UFO ये रहता है, तो इसलिए इसका नाम UFO ट्राइपॉड है, इस तरह से आराम से रख सकते हैं। साथ में इसके एक ये माउंट आता है फोटो प्रो का, जो ऑलरेडी मेरा प्री इंस्टॉल था, और एक ये वाला, पर ये रिकमेंड नहीं करूंगा, ये प्लास्टिक क्वालिटी है और स्टडी नहीं रहेगा। दूसरी चीज, इसमें मैं माइक माउंट करने के लिए मेरे पास कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ साइड में माउंट है। अगर मान लो मैं ऐसे माउंट करता तो होगा लैंडस्केप में, पोर्ट्रेट में। तो ये हो गया, इसी चीज को ठीक करने के लिए मैंने ये उलानजी का मेटल माउंट लिया है, हैवी माउंट है, थोड़ा सा वेट है लेकिन बहुत स्टडी और अच्छा है। ये देखो, अब इसमें एक चीज आप देखोगे, ये जो चीज है ये पोर्शन के नट है, ये घुमाने का इसको ये स्ट्रेच होता है। मेरा जो सैमसंग का फोन है वो 6.7 इंच स्क्रीन का फोन है, तो आराम से इसमें स्टोर से बड़ा भी हो जाएगा, 8 इंच तक मुझे लगता जाएगा। ये एक फायदा है इसका। और उसके साथ सेट कर लो, यहाँ पे माइक के लिए माउंट करने के लिए प्लेस है, और इन दोनों जगह एक्स्ट्रा लाइट अगर आप माउंट करना चाहते हो तो उसके लिए प्लेस। तो ये मैं आपको माउंट करके भी दिखा देता हूँ ये कैसे माउंट होगा। ये कुछ इस तरह से माउंट हो गया, ये हमारा एक खाका तैयार हो गया है। खैर, इसको साइड रखते हैं और मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एक्चुअली माउंट किया जाए। ये बोया का BY-MM1 माइक है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ भी आपको देखो कि अगर ये कैमरा आपका
डायरेक्ट साउंड रिकॉर्ड नहीं करता, तो एक्सटर्नल एक थर्ड पार्टी ऐप आता है जिसके बारे में बात कर रहा था, ओपन कैमरा, वो इंस्टॉल कर सकते हो। उसके अंदर का कंटेंट देख लेते हैं क्या क्या है। इसमें कुछ यूजर मैनुअल्स है, साथ में एक ये शॉटगन माइक है, और ये माइक को माउंट करने के लिए एक माउंट है ये वाला, और कुछ एक DSLR का केबल दिया हुआ है। ये पर हमें DSLR केबल नहीं चाहिए, मेन हमारे लिए ये जरूरत है, तो इसको भी मैं दिखा देता हूँ कि कैसे करना है। ये जो चीज है ये यहाँ फिट होगा, ये ऐसे फिट हो गया यहाँ पे। ये चीज जो ये वाला प्लग इन ये आ जाएगा इसमें, और इसको हम इंस्टॉल कर देंगे ये वाले माउंट पे जो मैंने आपको दिखाया था। कुछ नहीं है, सिंपल सा बस ऐसे करके फिट करना है। ये मैंने फिट कर दिया, अब ये टाइटन कर दूंगा इसको, ये टाइट हो गया। अब व्लॉगिंग के लिए मेरा सेटअप रेडी हो गया, नीट एंड क्लीन सेटअप है। कैमरा लगा के भी दिखा देता हूँ इसमें, जो मेरा ये सैमसंग गैलेक्सी M51 मैंने लिया है। देखो इतना आराम से मैं ओपन कर पा रहा हूँ इसको, पूरा ओपन कर देना और बस इसी तरह से फिट कर देना। तो ये देखो दोस्तों, कुछ ऐसा व्लॉगिंग नीट एंड क्लीन सेटअप तैयार होता है गुलाम जी का। अब इसको मैं किसी भी तरह से आराम से ऐसे करके या फिर ऐसे करके, अब सेक भी नहीं होगा और एक परफेक्ट व्लॉगिंग सेटअप मेरा तैयार हो गया। तो ये रहा शॉटगन माइक, इस तरह से लगता है। ये माउंट लगाने का फायदा ये है कि आपके कैमरा के सामने ये फर नहीं आएगा, अगर ये नहीं रहता तो आता। दूसरी चीज मैं आपको बता रहा था, एक्सटर्नल लाइट के लिए आप यहाँ पे लगा सकते हो ये दोनों माउंट है। बाकी इस तरह का माउंट है, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आप ये सेटअप करना चाहते हो तो ये सारा जो परचेज लिंक है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको चेक करो और बाय करो। तो चलो, और 14 तारीख को मैं बहुत जल्दी ऑन द रोड आपसे मिलने वाला हूँ, क्योंकि एक नया राइड शुरू होने वाला है आप लोगों के लिए, तो उसी के लिए सेटअप तैयार कर रहा था, फाइनली हो गया। बाय।